नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। नवरात्रि के दिन बहुत ही खास माने जाते हैं सभी व्यक्तियों के लिए, क्योंकि नवरात्रि में सभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ माँ की आराधना के लिए भी टाइम मिल पाता है, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में कोई भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वह 2 मिनट के लिए भी मेडिटेशन या फिर भगवान की आराधना कर सके। लेकिन नवरात्रि सबसे बड़ा ये होता है कि आप नवरात्रि के दिनों में थोड़ा सा समय निकालने के लिए, पूजा करने के लिए भी निकाल लेते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस नवरात्र में आपको जो भी कार्य कर रहे हैं या फिर जो भी आप बात बनाने चाह रहे हैं वह सारे पूरे हो जाएं और उनमें कोई भी बाधा ना आए, तो आप ये कार्य बिल्कुल ना करें। आज मैं कुछ ऐसे कार्य बता रही हूँ जो आप यदि नवरात्र में करते हैं तो आपके घर से सुख संपत्ति के साथ साथ आपके घर से शांति भी दूर हो जाएगी। तो आज जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं। नंबर 1, आप कभी भी दाढ़ी मूछ या फिर बाल ना काटें, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में कोई भी ऐसे कार्य करना अपशगुन माना जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों में आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। यदि आप दाढ़ी मूछ या फिर बाल बनाते हैं नवरात्रि के दिनों में, तो आप इन दिनों में बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आप दाढ़ी मूछ नहीं बनाएंगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपके चेहरे पे थोड़ी सी दाढ़ी मूछ और ज़्यादा हो जाएगी और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन नवरात्रि के 9 दिन बीतने के बाद आप ये शेविंग या फिर बाल काट सकते हैं। लेकिन नवरात्रि में ये कार्य बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर से समृद्धि भी जाएगी और शांति भी। नंबर 2, नाखून ना काटें। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग नवरात्रि में नाखूनों को काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नाखून भी नहीं काटने चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव के रूप में आपके घर में हो जाते हैं। और यदि आप नवरात्रि के दिनों में अपने नाखूनों को काटते हैं तो वह आपके घर में ही प्रवेश कर जाते हैं। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं या फिर नकारात्मक प्रभाव होता है, वो आपके जीवन पर भी पड़ता है और आपकी सफलता पर भी पड़ता है। आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं या फिर जिस कार्य को बनाने के लिए जा रहे हैं वह कार्य बिगड़ सकता है। नंबर 3, यदि आप देख रहे हैं कि आप अपने घर में नवरात्रि के दिनों में अखंड जोत जला रहे हैं, तो अखंड जोत जलाने वाला व्यक्ति कभी भी अपने घर को अकेला ना छोड़े, या फिर जरूरी है तो किसी भी एक व्यक्ति को छोड़कर जरूर जाए, जाना जरूरी होने पर। क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में यदि आप अपने घर से कहीं भी बाहर जाते हैं तो उसकी वजह से कोई भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जोत जलती रहती है और जोत अगर जलती रहती है तो वह अखंड जोत कहलाती है। लेकिन अगर कोई देखने वाला ना हो तो वह अखंड जोत आपकी बुझ जाएगी और आप जिस शुभ कार्य के लिए या फिर जिस प्रेरणा या फिर जिस इच्छा की पूर्ति करने के लिए आप अपने घर में अखंड जोत जला रहे हैं, तो वह अखंड जोत आपकी पूरी नहीं होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। नंबर 4, अगर आप देख रहे हैं कि नवरात्रि के दिनों में आप नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, तो नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अन्न को त्याग दें और नमक को भी त्याग दें, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों तक अगर आप अन्न और नमक को त्याग देंगे तो आपकी सारी इच्छाएं भी पूर्ति हो जाएंगी और उसके साथ साथ आपके जो त्यागा हुआ समय है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यह समय आप उन चीज़ों को त्याग देते हैं जो आपके जीवन के लिए या फिर आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। लेकिन नवरात्रि में यदि आप समा के चावल या फिर कुट्टू का आटे का इस्तेमाल करते हैं तो वह सबसे अच्छा होता है। आप नवरात्रि के दिनों में हल्का भोजन करें, क्योंकि जब भी आप भारी भोजन करेंगे तो आपके पेट में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहेगी, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। नवरात्रि चल रहे हैं क्योंकि नवरात्रि में इन चीज़ों का सेवन करना अपने स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, लेकिन उसके साथ साथ आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनकी सफलता पर भी गलत असर पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी समस्या ना आए, या फिर जो व्यक्ति सफलता के लिए अपने कार्य को बनाने के लिए तैयारी कर रहा है उसके जीवन पर भी और उसकी सफलता पर भी कोई प्रभाव ना पड़े, तो आप इन कार्य को बिल्कुल ना करें। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त देती हूँ।